हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड फन। तो आज हम इस सेशन में क्लास 10 का चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे और कैसे इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो सब के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देर करते हुए हम लोग शुरू करते हैं हमारा चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन होते क्या है। केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें कि दो तरह की चीज़ें रिएक्ट करके एक नया चीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे डेफिनेशन के फॉर्म में, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड, जो कि होते हैं रिएक्टेंट्स, आर कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट्स विथ न्यू प्रॉपर्टीज। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है कि A प्लस B हमारे रिएक्टेंट्स हैं, तो जब A और B रिएक्ट कर रहे हैं तो C प्लस D दे रहे हैं जो कि इनका प्रोडक्ट्स है। तो और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, दोनों रिएक्ट किए और हाइड्रो H2O दिए जो कि वाटर होता है। और फिर और एक है आयरन प्लस ऑक्सीजन देता है रस्ट कंबक्शन, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। और ऐसे तो बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट। ये सब रिएक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का जो पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि तो पहले हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े, अब हम लोग रिएक्शन केमिकल रिएक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन अगर टेक प्लेस ले रहा है तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, चेंज इन कलर होगा। अगर कोई दो चीज़ को हम लोग मिक्स कर रहे हैं और उसका कलर चेंज हो रहा है तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जैसे कि यहाँ लिया गया है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो कॉपर सल्फेट जो था वो ब्लू कलर का था और जो हम लोग को फेरस सल्फेट मिला आफ्टर द रिएक्शन विच इज़ द प्रोडक्ट, वो ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। फिर चेंज इन स्टेट। तो चेंज इन स्टेट में जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन गैस लिए, ऑक्सीजन गैस लिए, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जब रिएक्ट किए तो H2O दिए जो कि लिक्विड है। फिर आता है इवोल्यूशन ऑफ गैस में जैसे कि जिंक को हम लोग सल्फरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाए तो वो जिंक सल्फेट हो गया और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व हो गया। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का जो है इवोल्यूशन हुआ। फिर है चेंज इन टेम्परेचर। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को अगर हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हम लोग को हीट देगा। तो इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ और हम लोग को कुछ नया टेम्परेचर भी मिला। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो रिएक्शन के बाद फॉर्म होता है। देखते हैं PbNO3 मतलब कि लीड नाइट्रेट प्लस Ki पोटाशियम आयोडाइड गिव्स पोटाशियम नाइट्रेट प्लस Pb Ai2 यानी कि लीड आयोडाइड। तो यहाँ पर जो लीड आयोडाइड है वो हमारा एक प्रेसिपिटेट है जो कि येलो रंग का पाया जाएगा जब हम लोग इसका रिएक्शन करवाएंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशंस के बारे में और जानेंगे।